उससे पूछिए कि तुम जमुई क्यों छोड़ रहे हो, जमुई की जनता ने तुमको 10 वर्ष तक नेता बनाया, क्या कारण है कि तुम जमुई छोड़ रहे हो, पहले उससे ये प्रश्न पूछिए। एक अनार है, 100 बीमार है, प्रधानमंत्री के दर्जनों दावेदार हैं, उसमें हमारे बिहार के लोग भी दावेदार हैं, बहुत से लोग दर्जनों लोग दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद के। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस से सवाल किया गया कि चिराग पासवान है जो हाजीपुर से लड़ना चाहते हैं, तो उस पर गुस्सा गए पशुपति कुमार पारस। पहले क्या कुछ कर रहे हैं पशुपति कुमार पारस, पहले सुनिए उनकी बातों को। लड़ने का सवाल ही नहीं है, मैं आपके प्रश्न का जवाब नहीं दूंगा, पहले उससे पूछिए कि तुम जमुई क्यों छोड़ रहे हो, जमुई की जनता ने तुमको 10 वर्ष तक नेता बनाया, क्या कारण है कि तुम जमुई छोड़ रहे हो, पहले उससे ये प्रश्न पूछिए। चलिए आगे बढ़िए। अब ये तो भविष्य की बात है, ये नहीं, ये तो भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मैं भविष्यवाणी करूँगा, जब समय आएगा तो देखा जाएगा। विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, अरे कौन सी विपक्षी एकता है, 10 वर्ष से तो विपक्षी एकता की बात कर रहे हो, कहाँ हुआ विपक्षी एकता में? कुछ लोग शरीक हो रहे हैं, और जो लोग शरीक हो भी रहे हैं उनका अलग अलग ग्रीवांसेस है। अब बगल में बंगाल है, बंगाल की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी हैं, उनका कहना है कि मैं उसी शर्त पर समझौता करूंगा जब हमारे साथ कांग्रेस समझौता करे और कांग्रेस वहां अपना उम्मीदवार नहीं। क्या ये राजनीति में संभव है? नहीं संभव। अरविंद केजरीवाल, उनका सबसे पहला प्रश्न है कि हमारे खिलाफ जो अध्यादेश भारत सरकार के द्वारा लाया गया है, इसमें सभी दल के लोग आम सहमति बनावे और राज्यसभा में मेरे पक्ष में अपना मत डालें। उसी तरह से कई स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, उनका अलग ग्रीवांसेस है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, वो खुद स्वयं उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री पद पे। तो एक अनार है और 100 बीमार है, तो ये परिस्थिति है। कल इन लोगों का विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है, और मैं समझता हूँ कि वो बैठक में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा दो मुद्दा है, एक मुद्दा है सीट शेयरिंग का और दूसरा है प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो एक अनार है, 100 बीमार है, प्रधानमंत्री के दर्जनों दावेदार हैं, उसमें हमारे बिहार के लोग भी दावेदार हैं, बहुत से लोग दर्जनों लोग दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद के। तो मैं समझता हूँ कि और उसमें भी अधिकांश लोग, कल की जो बैठक हो रही है उसमें अधिकांश लोगों पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, किसी पर ईडी का शिकंजा है, कोई जेल से छूटे हुए हैं, कोई जमानत पर हैं, कोई जेल में जाने की तारीख तय हो रही है। तो इस ढंग से विपक्षी एकता संभव नहीं है, मेरे हिसाब से विपक्षी एकता कभी कायम नहीं होगा, कभी कभी विपक्ष एकजुट नहीं हो पाएगा। और अंतिम चौथी बात, चिराग पासवान के सवाल से ही भड़क गए हैं पशुपति पारस और कह रहे हैं कि पहले उनसे पूछिए कि जमुई वो क्यों छोड़ रहे हैं, और वहीं जिस तरह से कल विपक्षी एकजुटता की बैठक होने वाली है उस पर भी कह रहे हैं कि ये विपक्ष एकजुट की बैठक नहीं है, सिर्फ एकाध दूगो विपक्ष एकजुट होकर बैठक कर रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इस तमाम खबरों को बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।